हेलो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस वी ऑल नो रोम्बस रोम्बस इज ए कॉर्डिलेटर हैविंग फोर साइड ऑल साइड्स आर इक्वल बट दे आर एंगल्स आर नॉट इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ओनली अपोजिट एंगल इक्वल है क्या होता है कॉर्डिलेटर है रोम्बस जिसकी फोर की फोर साइड इक्वल होती है एक रफ स्केच हम बना लेते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल डायगनल्स भी इसके इक्वल नहीं होते स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं और ये हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने स्क्वायर वाला किया था वहाँ पर हमारे दोनों डायगनल सेम थे ए बी सी डी यहाँ में गिवन है ए सी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू एट सेंटीमीटर ठीक है इसमें हमें सेम जैसे हमने स्क्वायर के डा डायगनल से किया था वहाँ एक डायगनल से काम हो गया था क्योंकि दोनों डायगनल का साइज सेम होता है यहाँ पर दोनों डायगनल्स डिफरेंट हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्रॉ ए सी सिक्स सेंटीमीटर तो आप ए सी ड्रॉ कर दोगे सिक्स सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ ए सी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग करेंगे अब क्या करेंगे बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब तक तो आप अच्छे से सीख गए होंगे परपेंडिकुलर बाइसेकटर हाफ से ज़्यादा लेते हैं और यहाँ इस तरीके से आप ए पॉइंट पे रखा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेकटर तो सेकेंड पॉइंट भी लिख देते हैं हम ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेकटर ऑफ ए बी आप जानते हो परपेंडिकुलर बाइसे्टर मींस नाइन्टी डिग्री का और बिल्कुल दोनों लाइन के सेंटर में जो बनता है ऑफ ए बी हम इसको ज्वाइन कर देंगे ठीक है और हमने परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या था एक्स वाई इसका नाम दिया था ऑफ ए बी पर या बाइसेक्टर एक्स वाई लिख दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई ठीक है सेम जो पहले हमने लिखा था कटिंग ए बी एट ओ सेम जो हमने स्क्वायर के लिए लिखा था ये ओ पर कट कर रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हमने ये लाइन है एक्स और ये है वाई इसको ज्वाइन करा दिया नेक्स्ट पॉइंट में ज्वाइन एक्स वाई ये हम पहले करा चुके थे मैंने यहाँ पर लिख दिया है अब हमें क्या करना है हमें आर्क ड्रॉ करना है कितना बी डी जो है कितना है एट है तो उसका हाफ हमें फोर सेंटीमीटर का हमें एक आर्क ड्रॉ करना है तो फोर सेंटीमीटर का एक आर्क किसमें ओ एक्स में और सेम ही हमें ओ वाई पे भी क्या करना है फोर सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है तो नेक्स्ट ड्रॉ आर या कह सकते हो आ, ट्रो आर्क ऑन ओ एक्स इक्वल टू कितना फोर सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख लेंगे हाफ ऑफ बी डी टू कट ओ एक्स एट डी ठीक है ये हो गया हमने यहाँ नाम दे दिया फिर सेम वही चीज ड्रॉ आर्क ऑन ओ वाई इक्वल टू फोर सेंटीमीटर हाफ ऑफ बी डी टू कट ओ वाई एट बी ठीक है ये पॉइंट हो गया हमारा बी अब इसके बाद क्या करना है आपको ज्वाइन करना है लास्ट पॉइंट ज्वाइन ए बी बी सी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इन सबको ज्वाइन कर देना है कहाँ पर यहाँ जो हमने बी पॉइंट दिया था ए बी ठीक है और देन दिस इज ए रिक्वायर्ड सी डी सेम वैसे ही जैसे स्क्वायर था वैसे ही सिर्फ स्क्वायर में एक डायगेनल दिया हुआ था क्योंकि दोनों डायगेनल सेम साइज के होते हैं यहां पर दो डायगेनल्स अलग अलग साइज के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट रोम्बस ए बी सी डी ए बी इक्वल टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू वन डिग्री इस क्वेश्चन में हमें एक साइड और एक एंगल इज गिवन पहले हम रफ फिगर ड्रॉ कर देते हैं रोमबस की ठीक है ये रोमबस ये एंगल हो गया वन ट्वेंटी का और ये ए ऑल साइड सारी इक्वल ये सारे एक मिनट वापस से कर लेती हूँ मैं सारी साइड इक्वल होंगी ठीक है ए बी सी डी और ये सारी की सारी साइड कितने होंगी? की होंगी 4.8 सेंटीमीटर की एंड एंगल बी है ये गिवन है हमें 120 डिग्री रॉम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इट मीन्स एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री ठीक है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्रॉ ए बी इक्वल टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया ए बी फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर तो हम फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं ड्रॉ ए बी इक्वल टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर ठीक है अब बी पे हमें क्या करना है एंगल ड्रॉ करना है तो हम यहाँ एक एंगल ड्रॉ करते हैं सिक्सटी डिग्री का एंगल हमें बी पे ड्रॉ करना है तो सिक्सटी डिग्री के एंगल के लिए हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर लेंगे और एंगल को ड्रॉ करेंगे तो हम ले लेते हैं प्रोटेक्टर और हमें एंगल कितने का ड्रॉ करना है सॉरी वन ट्वेंटी का तो ये हो गया हमारा वन ट्वेंटी का एंगल ड्रॉ किया तो इस ये हो गया एंगल वन ट्वेंटी का आप चाहे तो कंपास से भी कर सकते हैं ठीक है ये हो गया इसको हम नाम दे देते हैं बी एक्स तो ये एंगल हो गया वन ट्वेंटी का और इसका नाम है एंगल ए बी एक्स तो हम लिख लेते हैं एट बी ड्रॉ एंगल ए बी एक्स इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री ये हमने एक एंगल वन ट्वेंटी डिग्री का हमने ड्रॉ कर दिया अब हम क्या करेंगे यहाँ सेंटर लेंगे ठीक है बी को क्या करेंगे एज ए सेंटर एंड रेडियस कितना फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और हम बी एक्स पे एक आर ड्रॉ करेंगे ठीक है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और हम बी एक्स पे क्या किया एक आर्क ड्रॉ किया ठीक है कहाँ पर एट सी तो विद बी एस सेंटर एंड रेडियस ऑल साइड्स आर इक्वल सो रेडियस लेंगे इक्वल टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर ड्रॉ एंड आर्क ऑन बी एक्स एट सी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमने ये सी पॉइंट दे दिया सी पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया अब सी को सेंटर लेकर क्या करेंगे सी को सेंटर लिया और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे कहाँ पर इस साइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे फिर ए को सेंटर लेंगे और फिर इस आर्क को कट करेंगे ठीक है तो हमने अब क्या किया विथ सी एस सेंटर एंड रेडियस 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क ठीक है ये ड्रॉ कर लिया नेक्स्ट विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क टू कट प्रीवियस आर्क एट डी चलिए यहां कर लिया ये पॉइंट हो गया डी अब जॉइन सी डी एंड ए डी इनको जॉइन कर लेंगे हमें जॉइन करना है सी डी और ये हो गया ए डी और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रॉम्बस ठीक है

A B C D five centimetre and AC is seven centimetre. So first we draw diagonal AC equal to seven centimetre AC seven centimetre draw A C seven centimeter. Draw A C equal to seven centimeter with A as a center and radius five centimeter radius five centimeter draw an arc below above and बिलो ए सी ठीक है अब नेक्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं ए एस सेंटर एंड रेडियस फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ आर्क एबो एंड बिलो ए सी दोनों साइड हमने आर्क ड्रॉ कर दिया सेम? क्यों सेम क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल नेक्स्ट स्टेप विथ बी एज ए सेंटर एंड रेडियस फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ अंदर आर्क

फाइव सेंटीमीटर सी एज अ सेंटर सॉरी सी एज ए सेंटर वी हैव टू राइट सी एज अ सेंटर और ए सी के एबो और बिलो हमें एक और आर काटना है किस तरीके से कि वो प्रीवियस आर को कट करे कहाँ पर सी बी और डी पे दिस इज बी एंड दिस इज डी जॉइन ए टू डी एंड बी या ज्वाइन ए बी बी सी ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इन सबको ज्वाइन कर दिया लास्ट पॉइंट ज्वाइन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी सी डीज ए रिक्वायर्ड रॉम्बस दिस इज क्वेश्चन नंबर एट ऑफ एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू कंस्ट्रक्टिव ट्रेपीजियम इन विच पी क्यू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर क्यू आर फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर आर एस थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर एन एंगल क्यू इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री एंड पी क्यू पैरल टू एस आर ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे सबसे फर्स्ट कंडीशन ट्रेपीजियम की होती है कि ट्रेपीजियम की जो लाइनें हैं हंसने दे रखी है वन पेयर जो लाइन अपोजिट पेयर आर पैरलर ये पी क्यू एंड दिस इज एस आर ये पैरल है ठीक है की वन है पी क्यू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर क्यू आर फोर पॉइंट टू और ये एंगल भी हमें गिवन है सेवेंटी फाइव डिग्री एंड दिस इज फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर और इसको हम ठीक है ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या है ऑर्डिलेटर है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ये कंडीशन है ट्रेपीजियम की तो फर्स्ट ड्रॉ पी क्यू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर चलिए ड्रॉ करते हैं सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर पी क्यू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर स्टेप भी लिखते जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट है ये अभी तक जो हमने ड्रॉ किए उससे बस थोड़ा सा ड्रॉ पी क्यू इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर ठीक है फिर क्यू को सेंटर लेते हुए क्योंकि हमारे पास क्यू है ठीक है तो हमें क्या लिखना है सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं विथ क्यू एज सेंटर ड्रॉ एंगल पी क्यू और एक एक्स ले लेते हैं अलग से पी क्यू एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री चलिए एंगल ड्रॉ करते हैं क्यू को सेंटर लेते हुए एंड 75 डिग्री ये हम इसको एक रे ड्रॉ कर देते हैं एक्स ये हो गई क्यू एक्स ठीक है और ये एंगल हमारे पास आ गया 75 डिग्री अब क्यू को सेंटर लेते हुए क्या करना है विथ क्यू एज ए सेंटर क्यू एस सेंटर एंड रेडियस देखिए क्यू आर को कहाँ काट रहा है फोर पॉइंट टू पे एंड रेडियस फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर कट क्यू एक्स एट आर चलिए यहाँ फोर पॉइंट टू ले लेते कम पास में और इसको फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर और इसको कट करते हैं ये हमने इसको कट किया ठीक है ये पॉइंट हो गया आर अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अब आपको क्या करना है रूलर का और इसके इसका सेट स्क्वायर इसको, इसको बोलते हैं इसका यूज करके हमें पी क्यू के पैरेलल ऐसा लाइन खींचनी है देखिए किस तरीके से खींचेंगे ध्यान से देखिएगा इसको हम बिल्कुल सीधे से इसके ऊपर रखते हैं और यहां हम क्या करते हैं स्केल से और इसको कहाँ तक ले जाएंगे आर तक ले जाएंगे सीधे सीधे और आर तक गया यहाँ और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये ठीक है और ये पैरल हो गई ये लाइन इसको भी हम और आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं वाई आर वाई ठीक है अब यहीं पे उस चीज़ को लिख लेते हैं जो हमने किया है यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर Using ruler and set square, इसके दो पेयर आते हैं इसको set square बोलते हैं Set square. Draw a line. मैं नीचे लिख लेती हूँ या यहाँ लिख लेती हूँ. Draw a line. आर वाई पैरेलल टू पी क्यू ठीक है इसके पैरेलल सॉरी आर इधर था एक मिनट तो आर जो था हमारा कहाँ था ये था मुझे एक मिनट इसको वापस से आर पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है ठीक है और चलिए इसको एक बार मैं इसको ही मान लेती हूँ आर ये है फोर पॉइंट टू आर ये वाला पॉइंट आर है ठीक है अब हमने क्या करना है विथ आर एज ए सेंटर विथ आर एज सेंटर एंड रेडियस कितना रेडियस है ये थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर एंड रेडियस थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर कट आर वाई एट एस ठीक है तो हम लेते हैं आर 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर लिया और इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया और इस पॉइंट को क्या नाम दिया एस और नेक्स्ट है जॉइन पी एस पी एस को क्या कर लिया हमने जॉइन कर दिया तो so, ये आपका क्या हो गया पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड ट्रेपीसियम सो स्टूडेंट डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक हैव अ नाइस डे गुड बाय